It's me, Anil Yadav. I am a teacher of math from Sura School, Mehmet. Today, I have a golden opportunity to teach you from the behalf of the Sura School, Mehmet. Respected parents and dear friends, you know that Sura School provides online classes through YouTube channels and Zoom app. Dear friends, it is very beneficial for your bright future. So, stay connected with us and increase your knowledge. Dear friends, today we will discuss about topic of simplification. You know that simplification, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें रूल लगाना होता है सम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आज हम ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में. तो देखिए सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने का रूल होता है हमारे पास बी ओ डी एम ए एस. ये सारे जो हमारे पास अल्फाबेट्स है इन सभी का अलग अलग मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल बी फोर होता है ब्रैकेट्स कि हमारे पास ब्रैकेट. अब ब्रैकेट से हमारे पास किस तरह से होता है कि आपके पास एक लार्ज ब्रैकेट होता है आपके पास एक स्मॉल ब्रैकेट. उसके बाद ब्रैकेट के बाद हमारा टर्न आती है ऑफ. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. बट देखिए मल्टीप्लाई और ऑफ के अंदर भी डिफरेंस है. पहले हम ऑफ वाले जो हमारे पास ऑफ लिखा है उस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे. देन उसके बाद हमारे पास आएगा डिवाइड. डिवाइड का सिंपल ये रहा क्वेश्चन सम करने का तरीका है हमारे पास जो रूल है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है कि पहले ब्रैकेट क्वेश्चन के दिया है तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा. उसके बाद ऑफ है तो ऑफ को ही सम करेंगे. देन हमारा डिवाइड का नंबर आएगा. उसके बाद एंड फॉर होता है मल्टीप्लाई का नंबर आएगा. फिर उसके बाद हमारे पास ऐड और सबट्रैक्ट. हम एडिशन और सबट्रैक्शन के ऊपर जाएंगे. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास ऑफ और हम कर रहे हैं पहले एडिशन को तो उस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग. हमें रूल के साथ चलना है. रूल आ रहा है बी ओ डी एम ए एस. बी फॉर ब्रैकेट O for off, D for divide, M for multiply, A for addition और S for subtraction. रूल के साथ चलेंगे. For example, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ ध्यान से देखना है. मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर 48 divide by 4 और यहाँ मैंने लिखा multiply by 3. फिर मैंने कर दिया है plus और यहाँ पर आ गया 9. फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर off और ये आ गया मेरे पास 4 और यहाँ पर मैंने minus में कर दिया मान लीजिए 13. ये हमारा क्वेश्चन बना हुआ है. ये हमारा एक क्वेश्चन है इसको हमें सम करना है. अब देखिए जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा अलग अलग सिंबल आने लग जाएंगे तो क्वेश्चन सिंपलीफाई का बन जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सर प्लस प्लस के साइन आ रहे हैं तो क्वेश्चन एडिशन का क्योंकि सभी को प्लस करना है. आप में आपके पास तीन नंबर के नीचे मल्टीप्लाई आ रहा है मतलब क्वेश्चन मल्टीप्लाई का तीनों में आपस में मल्टीप्लाई होगी. बट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके के सिंबल आएंगे जैसे यहाँ पर आपको डिवाइड भी दिख रहा है मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है माइनस भी है और साथ में ऑफ भी दिया है तो जब अलग अलग तरीके के सिंबल आते हैं तो क्वेश्चन हमारा बन जाता है सिंप्लीफाई का. देखिए सिंप्लीफाई को सोल्व करने का मैंने रूल बोला आपको बी ओ डी एम एस रूल के साथ चलेंगे. अब देखिए फर्स्ट सवाल उसने दिया बी फोर ब्रैकेट. बट देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो उस चीज को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे. चलिए नेक्स्ट पर हमारे पास क्या है ओ ओ फोर क्या होता है ऑफ. अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है. पहले हमें सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करना है रूल के साथ चलना है. तो लिखेंगे हमारे पास है 48 डिवाइड बाय हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये आ गया 3 और प्लस का प्लस. अब मैंने आपको बोला था कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई तो इन दोनों में 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में ऑफ है मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 से कितना हो जाएगा 36 और ये आ गया हमारा 36. आगे दे रखा है माइनस माइनस हमारे पास आ गया 30. किस तरीके से देखिए हमारे पास ऑफ था तो हमने ऑफ को सम कर दिया. अब नेक्स्ट हम किसके आएंगे डी फोर डिवाइड. कहीं पर डिवाइड है हाँ देखिएगा डिवाइड हमारे पास वहाँ पर दिया हुआ है तो पहले सिर्फ हमें इस पार्ट को सम करना है हमें इसको डिवाइड करना है. अब हम 4 से 48 का डिवाइड करेंगे आप साइड में डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 12. जब इसको सम करेंगे तो डिवाइड कर 12. अब पूरी टर्न एज इट इज मल्टीप्लाई का सिंबल है 3 है प्लस में हमारे पास फिर से आ गया 36 और माइनस में हमारे पास आ गया है 13. इस तरीके से देखिए अब हमारा डी फोर डिवाइड चला गया है. अब नेक्स्ट टर्न हमारी किसके आएगी एम फोर मल्टीप्लाई. अब हमें देखना है कि मल्टीप्लाई का सिंबल है तो कहाँ पर है तो किस तरह से इसको सम करेंगे. देखिए अब हमने देखा कि हमारे पास इन दोनों के बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई आया हुआ है तो पहले हमें दोनों को सम करना है दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 हमारे पास कितना होगा 36 और ये आपका 36 प्लस में हमारे पास फिर से 36 दे रखा है और उसके बाद हमारे पास माइनस में 30. आप देखिए हम रूल के साथ चलते हैं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से सम होता जाएगा. किसी स्टेप को छोड़ेंगे तो वहां पर हमारी मिस्टेक होने की संभावना है. तो एम फोर मल्टीप्लाई चला गया. अब हम आगे ए फोर एडिशन के ऊपर इसको आप ऐड करते हो प्लस करना.
अब हमें ढूंढना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। देखिए आपको एक अच्छी सी किताब का मैं आपको, जब किसी नंबर के सामने कोई भी डिजिट नहीं आएगा, कोई भी सिंबल नहीं आएगा, देखिए किसके सामने कोई भी किसी तरीके का सिंबल नहीं है, ना प्लस है ना माइनस ना मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमेशा ही किसी का समझा जाएगा प्लस का। देखिए तो एक प्लस का ये हो गया, इसके सामने किसी का सिंबल है प्लस, एक प्लस का हमारे पास ये हो गया प्लस, कितने हो गए टू, और इसके सामने किसका सिंबल था माइनस का, ये हो गया हमारा माइनस का। अब हमारे पास दो प्लस के हैं और एक माइनस का है, हम दोनों प्लस को जोड़ के प्लस का एक बड़ा बना लेते हैं। देखिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 72, दोनों को जोड़ दिया हमने, और उसके बाद माइनस का सिंबल है तो ये आ गया माइनस, और माइनस का देख रखा है 13। इस तरह से हम उनके साथ साथ चलते हैं, हमने एक फोर्थ एडिशन ऐड का भी सोल्व कर दिया है। अब हमारे पास बचा है S4 सबट्रैक्ट, इसको आप बोलते हैं माइनस करना, सबट्रैक्शन। अब ये प्लस का नंबर है और ये माइनस, सिर्फ हमें क्या करना है माइनस। आप देखिए जब हम 72 के अंदर से 13 का माइनस करेंगे तो यहां से करेंगे 12 से 3 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 9। यहां से हमने क्या किया, क्या बचा 6, 6 में से हमने 1 को और माइनस कर दिया क्या बच जाएगा 5, और इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा 59। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सम करेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम से आंसर राइट आएगा, और अगर हमने किसी चीज को यहां से मिस किया या छोड़ा तो हमारा क्वेश्चन राइट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आया होगा, आप घर पे इस तरह से बहुत प्रैक्टिस करें। ओके थैंक यू।